ए देखो ओ निकला आया मैं। किला जो है कटोच वंशज के अधीन ही रहा और उस... क्या हुआ? हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं निकल चुका हूँ एक और नई राइड पे, और आज की राइड के लिए मैं जा रहा हूँ एक ऐसे फोर्ट पे जो कि भारत का सबसे पुराना फोर्ट है। और अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ से इस फोर्ट का डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर। ये फोर्ट है, इस पे बहुत से गानों की शूटिंग भी हो रखी है। और ये फोर्ट जो है इस पे हिंदू राजाओं ने, मुगलों ने, सिखों ने और ब्रिटिशों ने भी शासन किया है, राज किया है इस फोर्ट पे। साहब ये ट्रक का तो पूरा तिरपाल ही फटा हुआ ऊपर से, क्या ढकेगा ये। दो दिन दिनों से ना हड़ताल ही कर दी ट्रक चालकों ने, तो मुश्किल हो गया था। इधर तो पेट्रोल मिलना भी मुश्किल हो गया था, पेट्रोल पंप पे सप्लाई वगैरह का दिक्कत था ना। मे भी आज बहाल हो गई है सर्विसेज वापस। हेलमेट हो गया है ढीला, अभी मेरे को नया हेलमेट लेना है। देख ही रहा था कहीं मिल जाता बेटर तो ले लूँगा। ये जो रोड है ये टंडा मेडिकल कॉलेज वाला रोड है। मैं बोल रहा था ना हेलमेट बहुत लूज हो गया, बहुत दिक्कत दे रहा है, बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है, इससे ना बहुत डिस्ट्रेक्शन होती है। तो ये देखो काम चल रहा है ना, यहाँ बन रहे हैं वो ब्रिजेस वगैरह ना, ये बच्चे स्कूल से आते हुए। और ये देखो मैं बोल रहा था ना ब्रिजेस बन रहे हैं इधर कांगड़ा में जो है, ये 4 लेन का ही सारा काम है। और उधर उस साइड वो टनलिंग हो रही है, टनल बन रही है दूसरे पहाड़ पे, वहाँ पे मैं था रुक के। ये देखो भाई पूरा काम चल रहा है इधर, और उधर वो जो पहाड़ काटा है ना वहाँ से कहीं टनल बन रही है, बिकॉज मैंने उस साइड से देखा था जहाँ से बन रहा था। तो भाई हिमाचल में भी 4 लेन बन जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। तो नीचे वाला रास्ता है कांगड़ा फोर्ट का, मैं थोड़ा सा आगे चला गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये देखो इसमें लिखा ना प्राचीन जैन मंदिर कांगड़ा किला, पुराना कांगड़ा भी इधर ही है। चढ़ाई है थोड़ी सी, कोई बात, किले तो ऊंचाई पे होते हैं मेरे हिसाब से, तो इसलिए चढ़ाई है इधर, तभी वो किले हैं। और मैं अभी पूछने वाला हूँ, एक नदी है नीचे, अभी इससे पता नहीं कौन सी है, कोई लोकल्स मिलेंगे ना उनसे पूछूंगा मैं। और भीड़ भी बहुत है, यानी कि कांगड़ा फोर्ट मैं ही नहीं देखने आया हूँ, बहुत सारे लोग हैं इधर अभी पहले से। कहाँ पार करूँ मैं? ओके, सो गाइज टिकट ले ली है मैंने, ये है टिकट कांगड़ा फोर्ट की, 25 रुपीज पर पर्सन है। फोर्ट तो ऊपर तक है सारा, ऐसे लग रहा है कि किसी जेल में जा रहे हैं, जेल के दरवाजे होते हैं ऐसे तिहाड़ जेल, वही सोचते हैं ना छोटा सा बड़े दरवाजे में से एक छोटा सा दरवाजा होता है, वो कैदी फिल्मों में देखा ना वहाँ से निकलते हैं, वही है। इसे चलते हैं भाई, यहाँ पे ना शूटिंग भी होती है, यहाँ पे वो तितलियाँ वाला हार्डी संधू का जो गाना था ना यार मेरा तितलियाँ वर्गा वाला सॉन्ग भी तो शूट हुआ था वो। तो मैं आपको बता दूं कि गगल जो हवाई अड्डा है उससे 14 किलोमीटर की दूरी पे है, पठानकोट से 87 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ से एक्सप्रेस आती है ना, ट्रेन आती है। कहाँ से हो आप सभी? पंजाब। पंजाब से आए हैं फोर्ट देखने के लिए या घूमने के लिए हिमाचल? अच्छा अच्छा, ओ भाई तो शर्मा के भाग गए हो ना भाई, आप आर्मी में हो? जी आर्मी में हो भाई, कौन से रेजिमेंट आपका? ओके, हिमालयस में जो ना सबसे बड़ा किला था अपने टाइम का, है भारत का सबसे प्राचीन किला है, दर्शनी द्वार है। दरवाजे तभी के होंगे क्या, पता नहीं बाद में लगाएगी, तभी के ही है। दो पत्थर में ऊपर इनको फंसा के रखे, हिंजिस की जरूरत नहीं है, ये हिंजिस है। कांगड़ा किले का निर्माण कांगड़ा राज्य के राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य जिसका उल्लेख महाभारत और पुराण में भी किया जाता है के वंशज होने का प्रमाण दिया था। ये हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल है और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है ये। और सन 1615 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी। 1620 में अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर ने चंबा के राजा उस टाइम के इस क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े राजा थे, उनको मजबूर किया, जहांगीर ने चंबा के राजा को मजबूर किया और इस किले पे कब्जा कर लिया। 1789 में जो राजा संसार चंद द्वितीय जो थे उन्होंने पूर्वजों के इस प्राचीन किले को फिर से कब्जा कर लिया था। इसे पता लग सकता है कि ये किला कितनी हाइट पे है, वो नीचे रिवर है ठीक है, उसका लेवल देखो और इसका लेवल देखो किले का, तो हाइट का पता तो चल ही जाता है कितनी हाइट पे था ये किला। 1789 से लेके 1828 तक ये किला जो है कटोच वंशज के अधीन ही रहा, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई राजा संसार चंद की, तो इस किले पे
जो सिख राजा थे रंजीत सिंह जी, उन्होंने कब्जा कर लिया था। अंत में 1846 तक सिखों के साथ हुए युद्ध में इस किले पर ब्रिटिशों ने अपना शासन जमा लिया। 1846 में जो सिखों के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया तो उन्होंने फिर इस किले को जीत लिया और अपना शासन जमा लिया। और 4 अप्रैल 1905 में आया एक भीषण भूकंप जिसमें उन्होंने इस किले को छोड़ दिया, उसमें तबाही हो गया था। एक किला बोलते हैं उसमें, तो उस टाइम पे कांगड़ा में ना बहुत बुरा हाल हुआ था। हेलो, छोटे छोटे पप्पीज हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? अकेले हैं? क्या हुआ? एक है छोटा सा पप्पी। ठंडू लग रहा है, ठंडू। बाय बाय बोलते हैं, अभी वापिस चलते हैं। और घूम लिया हमने अच्छे से, बैटरी भी चार्ज है। तो गाइस ये है जो कांगड़ा फोर्ट ना, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं लाइफ में। अभी चलते हैं, निकलते हैं घर के लिए वापस। और कितने बजे पहुँचते हैं? ऑयल लेना है, 2-3 काम और निपटाने हैं रास्ते में। ट्रक जी आगे, ट्रक। बज गया वाइट। ओ ऊपर वाला ओवरटेक करके जा रहा है। थैंक गॉड, शुक्रिया आपका बचाने के लिए भगवान। यहाँ पे एक दुकान है जहाँ मैं पीऊँगा चाय, और वो दुकान शायद यही है जहाँ मैंने कई बार चाय पी आके। ठीक है भाई, ओके बाय बाय। ठीक है छोटू, चलते हैं भाई। हाँ तो गाइस मैं निकल चुका हूँ चाय पी के, और चाय पीते टाइम बच्चे मिले छोटे से, उनसे बातें की। अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, 8 बजे तक घर पहुँच ही जाऊँगा, बट मेरे को कवर निकालने लाइट्स के। सो गाइस अभी मैं हूँ घर से 5 किलोमीटर दूर, और रास्ता भी पूरा जंगल वाला है। आई होप कि कुछ जंगली जानवर के साथ भेंट ना हो मेरी। गाड़ी जा रही है, इसके पीछे पीछे लगा देता हूँ बाइक को, पर आगे से लिंक है तो उसमें से दूसरी रोड पे ना चली जाए कहीं। आप सभी कमेंट करके बताया करो मेरी वीडियोस पे कि आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, आपको कैसी लग रही है वीडियोस। कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। ये तो चली गई नीचे गाड़ी, तो मेरे को तो ऊपर वाले रास्ते से जाना है और पूरा जंगल का रास्ता है। चलो कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर का एरिया जंगल का ही है, उसके बाद एक छोटा सा गाँव आएगा, उसके बाद फिर जंगल है मेरे घर तक। तो ये गाँव जो है जंगल जंगल में ही होते हैं इधर। अपनी स्पीड तो काफी फास्ट है। ए देखो, ओ निकलाया मैं, पता नहीं नील गाय थी या वो सांभर था, क्या था। रोड पे होता तो पूरा आ जाता कैमरे में, अभी देखूंगा घर जाके कि कैमरे में आया है या नहीं आया है। ये आ गया गांव, अभी इसको क्रॉस करके आगे मेरे घर तक पूरा जंगल ही है, तो वो मुझे जाना है। पर अभी मैं एक ऐसी जगह से गुजरूंगा कि किसी टाइम पे वहाँ पे बाघ बैठे रहते थे। वहाँ एक आम का पेड़ था और उसके नीचे बाघ बैठे रहते थे, 2-3 बाघ हमेशा रात को नहीं आ पाते थे लोग। पिछले कुछ सालों से बंद हुए बाघ दिखना नहीं, तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो जब हमारे गांव में उनकी दुकानें आते जाते रहते थे, बोलते थे कि बाघ मिला है जंगल में, है ये है वो है।
चलो जी ये कुछ दिखा, बट मैं ना रुक जाना चाहिए था उस टाइम पे, रुका नहीं मैं, वो जंगल के नीचे भाग रहा था ना। ओहो ये तो मेरे रास्ते से जा रही है, पता नहीं किसकी गाड़ी। जंगल से ही गुजारा करते थे पहले हम, लकड़ियों के लिए इसी जंगल में आते थे जब हम छोटे छोटे थे, तो यहीं से आके हम लकड़ियाँ लेके जाते थे जलाने के लिए। उस टाइम पे गैस कहाँ होती थी किसी के पास में गांव में, तो खाना पकाना भी है, आग सेकनी है, सब जंगल पे निर्भर थे, घास के लिए जंगल पे निर्भर थे, पशु पालते थे पहले लोग, अभी तो कम हो गए, जो निर्भरता थी ना जंगलों के ऊपर ही थी सारी। ये मोड़ फिर से ख़राब हो गए, मोड़ बहुत डिफ़िकल्ट मोड़ है, अभी कुछ दो मोड़ ना साइमल्टेनियसली हैं इधर। और ये हमारा स्कूल है, यहाँ से हमने की थी पढ़ाई। रात के अंधेरे में आपको क्या ही दिख रहा होगा, अभी मैं घर पहुँच जाऊँगा 2-3 मिनट में। तो सही था ओवरऑल, इट वॉज़ ए ग्रेट डे, बट वो एक ट्रक वाला इंसिडेंट था वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया। बोलते ना जब तक ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो ही है। चलो जी तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।